फनीएस्ट रनआउट्स। गली क्रिकेट में भी ऐसे रनआउट देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, क्रिकेट में रोमांच की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक बॉल पर रोमांच बना रहता है। क्रिकेट में आए दिन नए नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। लेकिन आज हम रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, आज हम मैचों के दौरान होने वाले रनआउट्स की बात करेंगे। ज्यादातर बल्लेबाजों का रनआउट अच्छी फील्डिंग की वजह से होता है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हैं जो फील्डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी या साथी बल्लेबाज की बेवकूफी के कारण रनआउट हुए। तो चलिए दोस्तों, क्रिकेट के ऐसे ही मोस्ट फनी रनआउट्स को देखते हैं। एक, अजहर अली। क्रिकेट में लापरवाही के कारण अगर किसी देश के बल्लेबाज सबसे ज्यादा रनआउट हुए हैं तो वो है पाकिस्तान के ही। इंजमाम उल हक रनआउट होने के मामले में काफी मशहूर थे। पाकिस्तान के बल्लेबाज अजहर अली लापरवाही या यूं कहें अपनी बेवकूफी के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनआउट हो गए थे। 2018 में दुबई में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान अजहर अली ने शॉट खेला और शॉट स्लिप के फील्डर को मिस करते हुए बाउंड्री की ओर चला गया। अजहर अली रन लेने के लिए आगे दौड़े, लेकिन उन्हें लगा कि बॉल चौके के लिए चला गया है और वो क्रीज के बीच में ही रुककर साथी बल्लेबाज से बात करने लगे। लेकिन बॉल में इतनी स्पीड नहीं थी और बॉल बाउंड्री से कुछ इंच पहले ही रुक गई। ऑस्ट्रेलिया की फील्डर ने बॉल को कीपर की ओर फेंका और विकेट कीपर ने अजहर अली को रनआउट कर दिया। अजहर अली को रनआउट होने का पता तब चला जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दो, समित पटेल। 2013 में नॉटिंगम शायर और डर्बी शायर के बीच चल रहे काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान समित पटेल नॉटिंगम शायर की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। शॉट मारने के बाद समित पटेल रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज बॉल को ही देख रहा था। जब समित पटेल ने देखा कि साथी बल्लेबाज रन के लिए नहीं दौड़ रहा है तो समित ने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर फिसल कर गिर पड़े। गिरने के बाद समित पटेल उठ भी नहीं सके और रन आउट हो गए। तीन, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग रन लेने के लिए काफी स्लो दौड़ा करते थे, इसलिए उनकी आलोचना भी होती थी। लापरवाही के कारण ही वो श्रीलंका के खिलाफ रन आउट हो गए थे। सहवाग 46 रन पर बैटिंग कर रहे थे। शॉट मारने के बाद वो रन लेने के लिए दौड़े और आधे पिच तक पहुंचने के बाद वहीं से धीरे धीरे चलते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड तक जाने लगे। सहवाग स्लो जरूर थे, लेकिन फील्डर नहीं थे। फील्डर ने सहवाग को देखा और तुरंत ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े फील्डर की तरफ बॉल फेंक दी। जब तक सहवाग कुछ समझ पाते तब तक वो रनआउट हो चुके थे। चार, मिसबा उल हक। रनआउट होने के मामले में मिसबा उल हक से ज्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं हो सकता। 2007 में भारत के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दौरान मिसबा उल हक रन लेने के लिए दौड़े और क्रीज तक सुरक्षित पहुंच गए थे। क्रीज में पहुंचने के बाद उनकी तरफ थ्रो आया और थ्रो से बचने के लिए मिसबा ने जंप किया और बॉल विकेट में जा लगी। बॉल जब विकेट में लगी तब वो क्रीज में मौजूद थे, लेकिन जंप करने के कारण उनके शरीर या बैट का कोई भी हिस्सा क्रीज में मौजूद नहीं था, जिस वजह से उन्हें रनआउट होना पड़ा। पांच, इंजमाम उल हक। फनी तरीके से सबसे ज्यादा अगर कोई बल्लेबाज आउट हुआ है तो वो है इंजमाम उल हक। भारत के खिलाफ 2006 में चल रहे मैच के दौरान इंजमाम उल हक ने शॉट खेला और वो शॉट फील्डर सुरेश रैना के पास गया। इंजमाम उल हक को रनआउट करने के लिए सुरेश रैना ने बॉल को विकेट की ओर फेंका। इंजमाम ने बेवकूफी दिखाते हुए सुरेश रैना के थ्रो को बैट से रोक लिया, ऐसे जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। इंजमाम ने बॉल को बैट से रोका था। उस समय इंजमाम उल हक क्रीज के बाहर खड़े थे। फील्ड में बाधा पहुंचाने के कारण उन्हें आउट दे दिया गया। 6, शेन थॉम्सन। 1995 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। शेन थॉम्सन क्रीज के बाहर खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे। शॉट खेलकर वो अपनी उसी पोजीशन में खड़े रहे। बॉल थॉम्सन के बगल में खड़े फील्डर हैंसी क्रॉन्च के पास चली गई। हैंसी ने बॉल को विकेट की ओर फेंक दिया और बॉल विकेट में जा लगी। जब बॉल विकेट पर लगी तब शेन थॉम्सन क्रीज के बाहर बैटिंग की पोजीशन में ही खड़े थे। शेन थॉम्सन को रनआउट होना पड़ा। वैसे शॉट खेलने के बाद भी शेन थॉम्सन क्रीज के बाहर बैटिंग की पोजीशन में क्या कर रहे थे? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।